मुंबई जाने के बाद जब हम स्टेज पे 12-14 लड़कियां खड़ी थी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग प्रांतों से, मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मेरी बहन बड़ी दीदी जो मुंबई में रहती थी वो ऑडियंस में थी, तो मेरा सारा अटेंशन था मेरी दीदी को, मैं प्यार से देख रही थी कि दीदी मैं इतने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ। और जब अनाउंस किया गया कि मैं उस साल 1981 की मिस इंडिया हूँ, मेरी दीदी उछल पड़ी ऑडियंस में, मेरी बहन, मेरी बहन। दैट वॉज अ ग्रेट मोमेंट। तो इसीलिए 17 साल की उम्र में स्टेज पर आना और लोगों को इम्प्रेस करना मेरी आदत सी हो गई। रेज फाउंडेशन और संवाद डिजिटल तरफ रू आज जो कार्यक्रम आयोजन हो स्वयंसिद्धा सम्मान आम गोटे प्रयास करूँ विभिन्न क्षेत्र में सफल महिला मान सम्मानित करूँ विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र में से माने बहुत बहुत भल कम कर उत्कर्ष हासिल कर भावी प्रति महिला जो मैंने आज सम्मानित हेबे से माने अगणित महिला मानू अनुप्राणित करें इंस्पायर करें सापरें महिला मैंने कौन सी क्षेत्र में पुरुष मान कम नुह से कथा तो प्रमाणित हो जा महिला मैंने बहुत स्ट्रंग से माने एम्पावर्ड किंतु मु भावुची सब बेले प्रोत्साहन गोटे वैल्यू थाए आम सफल महिला मानक जिते लोकलोचन को आनवा जिते सम्मान दबा ता कम किंतु यही छोट सम्मान आम अगणित महिला मानक स्टोरी विषय जनई पार। सो दिस इज द टाइम फॉर विमेन टू शाइन। समस्त को कृतज्ञता जनाऊँ जो मैंने आमको ये कार्यक्रम में सहयोग कर आज आम 28 जन को सम्मानित करूँ बहुत नॉमिनेशंस आसी शॉर्टलिस्ट है आमर स्टीम जूरी थे से माने नॉमिनेशंस को शॉर्टलिस्ट कर निश्चित भाव मु भावुची कि आम बोधे गोटे परसेंट महिला को भी छुई नौ ओडिशा रे एत्ते महिला एत्ते भल काम करुछंती आमर उद्देश्य रही कि केवल कटक और भुवनेश्वर रा महिला मान ठार आम सीमित न रही ओडिशा रा विभिन्न अंचल रु महिला मानू आम चिन्ही बाछी आम सम्मानित करूँ आगामी वर्ष मानक रेज फाउंडेशन रोटे कर्ता आमर रेज फाउंडेशन लास्ट 3 इयर्स है आमर सोसाइटी आमर ओडिशा रे काम करी आमे केबे भी सेमती मीडिया और लाइम लाइट रे केबे आसीनु तो आज प्रथम थर एई प्लेटफॉर्म रे रेज फाउंडेशन रो नेम आउ फेम को गोटे माने शोकेस करा जायछि तो मु सेथिपई बहुत बहुत धन्यवाद संवाद डिजिटल को जे सी जॉइंट इनिशिएटिव करिया पई गोटे बहुत ही छोटो एनजीओ को सहाय्य करिया पई से हाथ बढ़ेले तो मुझे बहुत सब बेले तानिया मैम एंड संवाद डिजिटल पई थैंकफुल रही एंड इट्स नॉट अबाउट मी इट्स एंटायर ओडिशा एंड ह्यूज ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स जो मैंने काम करुछंती मे बी मु ना नहीं पारिनि एत पिला हाथ बढ़ई मु जानी नी जेबाला आम इटा आरंभ करूँ बहुत अल्प लोक को 4-5 जन लोक नहीं बट तापर समस्ते जो सोसाइटी पे बिना किसी मानने पाइबा छाड़ी लोकों प्रति कम करवा यहाँ कोविड परे परे मु बहुत देखिली तो मु चाहिली जे ओडिशा रे बहुत लोक अच्छा जो मैंने बिना सेल्फलेसली लोकों प्रति काम करिया पई एनिमल प्रति काम करिया पई एंड नेचर प्रति काम करिया पई ऑलरेडी आगे तो से ड्रीम को टिके आगो को बढ़िया पई आमे रेज फाउंडेशन रो बहुत गुड़ा ऑब्जेक्टिव जमती कि वुमेन एम्पावरमेंट फार्मर वुमेन एम्पावरमेंट सेटा आमर मेन ऑब्जेक्टिव ता संगे रे रही आमर हेल्थ एंड वेलफेयर एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी जोटा कि आम जिते बड़े जो रिक्वायरमेंट आसे रेज फाउंडेशन डेफिनेटली चेष्टा करे
हाथ हाथ मिसेकि लोकों पर काम करने तो यही इनिशिएटिव नहीं कि आम आज आगे पुणी आउ थे वी आर टेकिंग अ ओथ दैट वी विल ऑलवेज बी रेडी टू सर्व पीपल एज अ रेज फाउंडेशन थैंक यू। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।